नगर निगम द्वारा महानगर में बहने वाले 230 सभी छोटे बड़े नालों की सफाई अभियान चलाकर तल्ली झार सफाई किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को तारामंडल क्षेत्र में हो रहे नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने नाला सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट के निस्तारण के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि तारामंडल क्षेत्र में नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर 50 कर्मचारियों और पोकलैंड मशीन लगाकर नालों की तल्ली झार सफाई कराया जा रहा है। साथ ही विशेष सफाई और फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, उप नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी एवं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, नगर निगम की पूरी टीम ने जो तारामंडल क्षेत्र में वसुंधरा इनक्लेव के ठीक सामने जो है जो नाला बना हुआ है, वहाँ की तली झाड़ सफाई कराई गई। इसमें लगभग 50 के लगभग कर्मचारी लगे और 5-6 जो हमारी छोटी वाली पोर्कलेन जेसीबी मशीन आदि लगाई गई, और इसके साथ साथ जो है बड़ी संख्या में जो नाला सफाई के हमारे श्रमिक थे उनके माध्यम से नाला की तली झाड़ सफाई की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि नाले की सफाई इस प्रकार से करा दी जाए कि आने वाली बारिश के दिनों में किसी भी प्रकार का यहाँ पे जल प्लावन ना होने पावे। और इसके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया कि जहाँ पे कूड़े के डंप पड़े हुए थे उनको उठवाया गया, उठवा के वहाँ से डंपिंग ग्राउंड में भेजा गया और एक मेलनथियन और जो चूने का घोल था उसका भी छिड़काव कराया गया।